हेलो एवरीवन, तो आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, प्रोबेबिलिटी टॉपिक वन। तो प्रोबेबिलिटी को हम क्या होता है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी होती है ये, ठीक है। वो हम पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास से 9th क्लास से। और उसके बाद हमारे पास इवेंट क्या होता है, जैसे हमने कोई भी डाई थ्रो की, या फिर मान लो हमने कोई भी कार्ड निकाला कहीं से, ठीक है, जैसे 52 कार्ड्स में से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट्स, ठीक है। हमने डाई थ्रो की तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने केस बनते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये हम पहले भी कर चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है। इवेंट क्या होगा, इवेंट हो जाएगा, मान लो हमारे पास कोई इवेंट ए है कि जिसमें हमारे पास ओड नंबर आए या इवन नंबर आए, नंबर डिजिट बाय टू, कुछ भी में से कोई केस आए या सारे केस आए, उनको हम क्या बोल देंगे, इवेंट बोल देंगे उसको, ठीक है। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केस या फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, ठीक है। और उसके बाद हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या उसके इक्वल होती है, या फिर 1 से छोटी या उसके इक्वल होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब हम करते हैं अपना टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट, जो कि हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो टॉपिक 1 जो हमारा है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे दिख रहा है, कंडीशन मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन लग जाएगी, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसकी जब हम देखें, हमारे पास जो होती है स्टेटमेंट वो क्या होती है एग्जैक्ट, तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इवेंट बी के होने के बाद अगर हमारे पास इवेंट ए हो तो उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, यानी कि ए की हमें क्या हो जाएगी, ए की हो जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर हम लिखते हैं, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास हो जाएगा कि हम यहाँ पे बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और हमारे पास इवेंट ए जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है, ये बी है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। यानी कि ऊपर हमारे पास जो कॉमन पार्ट है वो आएगा दोनों इवेंट का, और नीचे जो इवेंट हो चुका है उसका आएगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालेंगे तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में, अब की बार ए है यहाँ पे, तो बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। उसके अलावा कुछ हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है जो हम कई बार यहाँ पे एग्जाम में यूज करनी पड़ती है। तो जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 है, वो क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी या बी बाय ए हमेशा 0 से बड़ी या 1 के इक्वल होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या होगी, 0 से बड़ी या उसके इक्वल, या फिर 1 से लेस देन या उसके इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बाय बी हमें निकालनी हो कि बी हो चुका है और ए ना हो, तो वो क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। अब इसको कैसे निकालेंगे, ए बाय बी निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और उसके बाद हमारे पास फिर जो है उसको 1 में से माइनस कर देंगे, वहां से हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बाय बी आ जाएगा। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ए बाय ए की, कि ए हो चुका है और उसके बाद दोबारा फिर ए हो, तो उसका आंसर क्या होता है, 1, क्योंकि जो कॉमन पार्ट यहाँ पे आएगा ना वो सेम आएगा जो प्रोबेबिलिटी उसकी होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए बात, हो गया ठीक
रखिए। तो क्वेश्चन नंबर वन जो हमारा है टॉपिक वन का, ए कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स, फाइंड ए बाय बी। सीधा बोला है कि हमें ए बाय बी निकालना है इफ द इवेंट्स ए, ये पे ए है, एंड बी आर एज फॉलोज। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इवेंट ए है हेड्स ऑन थर्ड टॉस, बी है हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऐसे, सेकंड पार्ट देखा, थर्ड पार्ट दे रखा है। तो देखो यहाँ पे बोला हुआ है पहले से ए बाय बी निकालना है, तो इसके लिए हमें पहले ए इवेंट के केस निकालने पड़ेंगे, बी के केस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम करेंगे, देखो कैसे सोल्व करते हैं। कॉइन टॉस किया गया तीन बार, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कितने केस बनेंगे, 2 की पावर 3 8 केस बनेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे सैंपल स्पेस आएगा ना, उसको हम एस बोल देते हैं, कितना आएगा 8 केस बनेंगे। मतलब पहली बार तीनों बार हेड आ जाए, फिर एक बार टेल आए, एक बार टेल लास्ट में आ जाए, बीच में आ जाए और स्टार्टिंग में आ जाए, फिर दो बार टेल एक बार हेड, तो एक बार हेड लास्ट में आ जाए, बीच में आ जाए और स्टार्टिंग में आ जाए, और उसके बाद क्या हो जाएगा तीनों बार टेल आ जाए। तो ये जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 केस हमारे पास टोटल बन गए। ठीक है, तो अब देखो जो इवेंट ए है उसमें क्या कहा कि हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस में हेड कहाँ कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है थर्ड टॉस में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारे के चारों केस हमारे पास ए के अंदर आ जाएंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड 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 ये वाला केस, हेड टेल हेड ये वाला केस, टेल हेड हेड वाला केस, और टेल टेल हेड वाला केस। ठीक है, और बी में हमारे पास क्या है, हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, के पहले दो टॉस में दोनों बार हेड आए, तो बी के लिए एक ये वाला केस बनेगा, एक ये वाला बनेगा, दो और तो शायद नहीं बनेगा कोई भी, हाँ और कोई नहीं बनेगा। तो बी में क्या हो जाएगा, तीनों बार हेड यहाँ पे आ गया और ये हेड हेड टेल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, बी। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ए बाय बी की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो अब निकालेंगे एक बार कि इनमें कॉमन कौन से पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉमन है और तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन हमारे पास, हेड 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 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास ए के कितने केस बने, 4 केस बन गए। ठीक है, नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए, बी के कितने बने, 2, और हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के कितने बन जाएंगे, 1। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए दोनों की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 1/2 टोटल केस, वो हमारे पास कितने हैं, 8, तो 1/8 हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2, ये हमारे पास हो गया फेवरेबल केस, ये हमारे पास टोटल केस, तो 2/8 हो जाएगा। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ए बाय बी की, ऊपर क्या है कॉमन वाला पार्ट है और बाय में बी की प्रोबेबिलिटी, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1/2। ठीक है, तो इस तरह से ही फिर हमें जो है वो सेकंड और थर्ड पार्ट करना है कि पहले कौन से केस आएंगे वो लिखने हैं दोनों में, और उसके बाद उनका जो कॉमन पार्ट है वो निकालना है। कॉमन पार्ट निकालने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो करते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, ए इवेंट हमारे पास है एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास कौन से केस आएंगे, ये वाला केस आया 3 हेड वाला, ये भी और ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे केस आ जाएंगे, चारों के चारों ए में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, एटमोस्ट 2 हेड, यानी कि हेड जो है वो 2 या उससे कम होने चाहिए, 2 हो 1 हो 0। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये वाला केस छोड़ देंगे, बाकी सारे केस आ जाएंगे 7 के 7 केस। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले से टाइम सेविंग के लिए।
तो ए हमारे पास क्या हो गया एट लीस्ट टू हेड, बी हमारे पास क्या हो गया एट मोस्ट टू हेड। अब हमें निकालना है क्या ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन पार्ट हमारे पास तीन इसमें इवेंट थे वो भी हमारे पास यहाँ पे लिख दिए। अब नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे, फोर इवेंट है, नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ बी सेवन है, नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी थ्री। हमें निकालनी है ए बाय बी, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए ए इंटरसेक्शन बी की कितनी हो जाएगी थ्री बाय एट, बाय में बी चाहिए हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी सेवन बाय एट। निकालनी क्या है प्रोबेबिलिटी ए बाय बी की, फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये हमारे पास है थ्री बाय एट बाय में सेवन बाय एट, एट से एट कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा थ्री बाय सेवन। ठीक है, ऐसे फिर चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो वैसे हम करें इसका थर्ड पार्ट, ए हमारे पास क्या एट मोस्ट टू टेल्स, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास टेल दो या उससे कम होने चाहिए, यानी कि ये वाला केस छोड़ दें तीन टेल वाला केस, बाकी सारे केस यहाँ पे आ जाएंगे सेवन के सेवन। बी हमारे पास क्या कि एटलीस्ट वन टेल, कि कम से कम एक टेल आए, यानी कि ये वाला केस यहाँ पे छोड़ दें जिसमें एक टेल भी नहीं है, ये सारे केस यहाँ पे सेवन के सेवन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गए ए में आ गए सेवन केस और बी में ये सेवन आ गए। कॉमन पार्ट क्या होगा इसका फर्स्ट इसका लास्ट छोड़ दिया, तो सिक्स में हमारे पास सिक्स केस के बन गए कॉमन पार्ट के। अब यहाँ पे कितने हैं केस ए के सेवन, ठीक है, बी के भी कितने हैं सेवन, कॉमन वाले पार्ट है जो हमारे पास वो कितना है सिक्स। हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, तो उसके लिए हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, वो कैसे आएगी फेवरेबल केस बाय में टोटल केस, बाय में बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए फेवरेबल केस बाय में टोटल केस। अब निकालनी है प्रोबेबिलिटी ए बाय बी की, तो फिर से वही फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है कि फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा सिक्स बाय एट बाय में सेवन बाय एट, इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा आपका सिक्स बाय सेवन। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया था वन बाय टू, नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया थ्री बाय सेवन और हमारे पास बाद में आंसर आया सिक्स बाय सेवन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी सिक्स, यानी कि डाई थ्रो की दो बार और नंबर कितना आया सम कितना आया तो नंबर का सिक्स आया। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेट नंबर फोर हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वन, कि नंबर फोर कम से कम एक बार डाइस पे हो उसकी हमें निकालनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास इवेंट हो चुका है और इसकी हमें निकालनी है। ठीक, तो देखो हम कैसे करेंगे इसको, हम मान लो हमने ए मान लिया कि हमारे पास क्या हुआ कि नंबर फोर जो है वो कम से कम एक बार अपीयर हुआ हो, इवेंट ए हमने क्या मान लिया इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर फोर अपीयर एट लीस्ट वंस, और इवेंट हमने बी क्या मान लिया कि सम सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज सिक्स। ठीक है, तो हमने इवेंट ए मानना ही है, तो हमें निकालनी ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी। तो ए में हमारे पास कौन से केस आएंगे कि फोर अपीयर होना चाहिए कम से कम एक बार, यानी कि वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स फोर, अब इसका उल्टा फोर वन फोर टू फोर थ्री, इसका उल्टा सेम रहेगा फोर फोर, तो इसको हमने नहीं लेना है यहाँ पे फोर फाइव और फोर सिक्स, ये हमारे पास आ गए इलेवन केस। और बी हमारे पास क्या है कि सम कितना आया डाइस पे सिक्स, तो सिक्स का हमारे पास कब होता है सम सिक्स टू फोर फोर टू वन फाइव फाइव वन पे, और होता है थ्री थ्री पे ना सिक्स थ्री थ्री, तो ये हमारे पास बन जाएंगे बी वाले केस। अब निकालना कॉमन वाले पार्ट कौन से हैं। ठीक है, कॉमन पार्ट देखो कौन से टू फोर
और 4 2, दो पार्ट हमारे पास यहाँ पे कॉमन है, तो 2 4 और 4 2। ठीक, अब क्या करना है हमें, इवेंट्स गणे कितने काउंट हमारे पास, नंबर ऑफ ए कितने इवेंट है इसमें 11, नंबर ऑफ बी 5 एंड नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 2। निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है कि नंबर 4 अपीयर एट लीस्ट 1, यानी कि ए बाय बी हमें निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को चाहिए प्रोबेबिलिटी, उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए ए इंटरसेक्शन बी की, और बी की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाए 2 बाय हमारे पास हो जाए 36 केस। क्यों? क्योंकि हमने डाइस थ्रो किए 2 बार। ठीक, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे बी की, तो वो कितनी हो जाएगी 5 बाय 36। अब तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ए बाय बी की, तो वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 2 बाय 36 बाय में 5 बाय 36, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 बाय 5, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है 10 cards number 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स मिक्स्ड अप थोरोली एंड देन 1 card इज ड्रॉन रैंडमली। ठीक है, मतलब हमारे पास 1 to 10 कार्ड थे, उसको मिक्स करके उसमें से हमें बॉक्स में से 1 card निकाल लिया रैंडमली। ठीक, इफ इट इज नोन डेट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, अगर हमें पता है कि नंबर जो है वो मोर देन 3 है, तो वट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज एन इवन नंबर। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको मान लो हम ए मान लेते हैं, ये इवेंट हो चुका है इसको बी मान लेंगे, तो फिर हमें ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए हमने क्या मान लिया, अच्छे से लिखना यहाँ पे कि लेट ए इज इक्वल टू इवेंट डेट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज इवन, नंबर क्या मान लेंगे हम यहाँ पे इवन मान लेंगे ए इवेंट को, और बी हमने क्या मान लेंगे यहाँ पे कि नंबर ड्रॉन ऑन कार्ड इज मोर देन 3। ठीक, इवेंट इन विच नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। ठीक है, तो हमारे पास देखो ए में कौन से यहाँ पे केस बनेंगे, हमारे पास नंबर है 1 से लेके 10 तक, और ए हमारे पास है इवन नंबर वाला केस, तो इवन नंबर हमारे पास यहाँ पे है 2 4 6 8 10। बी हमारे पास क्या है, नंबर मोर देन 3। ठीक है, बी हमारे पास है मोर देन 3, तो 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब निकालेंगे इसका कॉमन पार्ट, कॉमन हमारे पास कौन से नंबर है, 4 है यहाँ पे, 6 है और 8 है और 10 है, तो कॉमन पार्ट में जो हमारे पास नंबर आएंगे वो आएंगे 4 6 8 10। प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें ए बाय बी की। ठीक है, तो ए बाय बी के लिए हमें चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ ए इवेंट कितने हैं 5, नंबर ऑफ बी के इवेंट कितने हैं 7, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इवेंट कितने हैं 4। तो हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो वो हो जाएगा 4 बाय 10। हमें चाहिए नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो वो क्या हो जाएगा 7 बाय 10। निकालनी क्या है हमें, निकालनी यहाँ पे ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी, जिसका फॉर्मूला आपको बताई है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ऊपर हमारे पास आएगा 4 बाय 10, नीचे 7 बाय 10, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 बाय 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, देखो ध्यान से, ए क्वाइन इज टोस्ट अंटिल ए हेड अपीयर्स और अंटिल इट हैज बीन टोस्ट 3 times। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्वाइन को टोस्ट करना है जब तो या तो हमारे पास हेड आ जाए तो हमें रुक जाना है, अगर हेड नहीं आ रहा तो हमें टोस्ट करते रहना है
लेकिन हम तीन बार टॉस कर चुके हैं तब भी हेड नहीं आया, तो हमें वहाँ पे फिर उसके बाद रुकना है। ठीक है, तो गिवन डैट हेड डज नॉट अक्कर ऑन द फर्स्ट टॉस, क्या बोला है कि हेड फर्स्ट टॉस में आया ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि कॉइन इज टॉस्ड 3 times, यानी कि एक तो इवेंट ये हो जाएगा हमारे पास, एक इवेंट ये हो जाएगा। इसको मान लो ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो बी बाय ए निकालना पड़ेगा, और इसको ए मानना, इसको भी मानना, तो ए बाय बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से करना इसको, हम ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मान लो हम, जैसे हमने ए, हम बोलते हैं कि इवेंट इसमें कि जिसमें हमारे पास हेड अकर नहीं हुआ स्टार्टिंग में, ठीक है, तो इवेंट ए इज इक्वल टू इवेंट इन विच हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, इवेंट इन विच हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, और बी हम क्या मान लेंगे कि हमारे पास कॉइन इज टॉस्ड 3 times, इवेंट इन विच कॉइन इज टॉस्ड 3 times। ठीक है, तो अगर हम इसको माना है बी, तो बी बाय ए यहाँ पे निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी पूछी है इसी की 3 times वाले की। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पे बात है सैंपल स्पेस की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना सैंपल स्पेस, देखो हमने पहली बार कॉइन टॉस किया, अगर हेड आ गया पहली बार तो वहीं पे हमें स्टॉप कर देना है। ठीक है, अगर हेड नहीं आता है तो दोबारा फिर टॉस करना है। मान लो पहली बार टेल आ गया, दोबारा कॉइन टॉस किया गया, दोबारा अगर हेड आ गया तो फिर रुक जाना है। ठीक है, अगर दोबारा भी हेड नहीं आता है तो फिर टॉस करना है। अगर मान लो थर्ड टाइम हेड आ जाता है तब भी रुक जाना है। अगर मान लो थर्ड टाइम भी हेड नहीं आया तो भी हमें यहाँ पे रुकना, क्योंकि किसी किसने हमारे पास क्या बोला था कि या तो हेड आए या फिर कॉइन 3 टॉस हो जाए, उसके बाद हमें टॉस नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा इसमें। ठीक है, तो अब ए इवेंट हमारे पास क्या था कि हमारे पास इसमें फर्स्ट टाइम में हेड नहीं आया, तो इसको यहाँ पे हटा देंगे, हमारे पास ए में सारे इवेंट ये हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमारे पास यहाँ पे, जो ए में हमारे पास केस आएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो देखो ए में हमारे पास कौन से केस आएंगे जिसमें हमारे पास हेड नहीं आना चाहिए पहली बार, इसको उठा देंगे, ये सारे केस यहाँ पे आएंगे। तो ए में हमारे पास क्या हो जाएंगे, टेल हेड, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी इसमें क्या हुआ, देखो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, प्लस में इनकी प्रोबेबिलिटी और प्लस में इनकी प्रोबेबिलिटी, ऐसे निकालनी पड़ेगी ध्यान से इसमें। ठीक है, तो देखो टेल हेड इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर हम इसको माने कि हमारे पास एक कॉइन एक बार टॉस किया गया, फिर टॉस किया दूसरी बार, तो 1/2, 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 × 1/2, 1/4 आ जाएगा। या फिर अगर हम इसको मानते हमारे पास 2 कॉइन टॉस किया गया है, तो केस कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, यहाँ हमारे पास एक ही आएगा, तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/4। ऐसे ही यहाँ पे है 1/2, 1/2, 1/2, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, या और प्लस में ऐसे ही 1/2, 1/2, 1/2, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इसको ऐसे करना चाहो पहले वाले की तरह, तो देखो 3 कॉइन टॉस किया वो वाले केस है यहाँ पे, तो टेल टेल हेड एक ही बार आना यहाँ पे, तो 1/8, ऐसे यहाँ पे टेल 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 1/8, जैसे भी तुम भाई मर्जी कैसे भी कर लो, जिसको तो ईजी लगे। ठीक है, तो 1/2, 1/2, 1/2 किया, तो 1/8 इसकी और 1/8 इसकी, तो एक ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे, एलसीएम लेंगे 8 हो जाएगा, 2+1+1, 4/8। अब बात करते हैं बी की, बी में हमारे पास कौन से केस आएंगे, बी में था इवेंट इन विच कॉइन इज टॉस 3 times, तो कॉइन टॉस 3 हुआ है इन दोनों केसों में, तो बी में हमारे पास आएंगे टेल टेल हेड और टेल 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 वाले केस। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी बी की, वही फिर से है प्रोबेबिलिटी इस वाले केस की टेल टेल हेड वाले केस की, प्लस में प्रोबेबिलिटी टेल 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 वाले केस की, तो 1/8 + 1/8, एलसीएम लिया 1+1, यानी कि 2/8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी
कॉमन पार्ट की ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कॉमन पार्ट ये दोनों, फिर से वही ठीक है। तो वही सेम हमारे पास आ जाएगा क्या, फिर से वही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हेड टेल टेल टेल, क्या आंसर आएगा 2/8। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है इवेंट इन विच कॉस्ट कॉइन इट वॉज 3 times, तो बी है हमारे पास वो इवेंट, तो बी बाय ए निकालेंगे ठीक है। ध्यान से रखना कि हर बार तुम ए बाय बी निकालते रहो, किसको क्या माना उसके हिसाब से निकालते हैं। तो बी बाय ए का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब की बार अगर बी बाय ए है तो बाय में किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, ए की प्रोबेबिलिटी आएगी ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर कॉमन पार्ट की प्रोबेबिलिटी है 2/8 और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 4/8, तो 2/8 बाय में 4/8 इससे कैंसिल हो गया, 2/4 आपका आंसर क्या आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में देना हमेशा आंसर 1/2। तो ये हमारे पास टॉपिक कवर हो गया हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इसमें हमें करना क्या, ध्यान से करना, एक इवेंट हो चुका होगा और एक होने वाला होगा, जो हो चुका होगा उसको मान लो अगर हम ए मानते हैं और जो होने वाला है बाद में उसको बी मानेंगे तो बी बाय ए प्रोबेबिलिटी निकलेगी ठीक है। अगर हमने उल्टा किया है इसका तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी ए बाय बी। तो ध्यान से करना कि हमने ए किसको मानना और बी किसको मानना है ठीक है। ओके थैंक यू, गुड डे, गुड लक।